Mangueta. चलो साइलेंट। मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। गरोली खान। Ready, and action!
चले चलिए विराज थोड़ा पीछे, रमेश थोड़ा आगे, बस इसको मार। कैसे था ये? ऐसे ही था, थोड़ा थोड़ा पीछे। रोलिंग एंड सर इधर देखो, सब लोग सीरियस। रोलिंग एंड स्लो ट्रैक एंड एक्शन। आपको जाना होगा ब्रासी राठौर और आपकी निशा की और सबकी भलाई। चलिए रुकिए विराज थोड़ा पीछे आ, थोड़ा सा आप एंगल में रहिए ना, और थोड़ा लेफ्ट जाइए, नहीं नहीं लेफ्ट, हाँ हाँ थोड़ा राइट जाइए, बैठिए उसके ऊपर जाओ, थोड़ा पीछे जाइए, रुक ठीक सब ले जाओ, थोड़ा पीछे और आ चुके हैं, आ चुके हैं उसके बाद से आपको जाना होगा। रोलिंग हैं आपको जाना होगा ब्रासी राठौर और आपकी निशा की और सबकी भलाई इसी में है कि आप ये सब पहुंचे। एक नई शुरुआत है, सॉरी सोचा रहा हूं, ब्रासी राठौर और आपकी निशा की और सबकी भलाई इसी में है कि आप ये सब पहुंचे। और एक नई शुरुआत है और आपकी बात है, एक बात आप चाहिए भारत, आप लेफ्ट वाले ग्रुप पे जाओ अभी के लिए, अभी गिरने के बाद मिलेगा ना, गिरने के बाद दोनों कैमरा स्विच कर लेना, समझ रहे हो क्या? साकिब तो राइट वाला को पकड़ेगा, मंगेता तो लेफ्ट वाला को पकड़ेगा। रुक साइंस, लाउड रिएक्शन एवरीवन एनी फॉल्स, रोल कैमरा, हाइट ले, हाइट ले, अंदर ले, आप चाहिए यहां से, आप चाहते हैं विराज कट। रोलिंग एंड सर फिर ना कर रहे आप, रुक सर वापस कवर हो गए थे ना मेरे ख्याल से, नहीं अच्छा ये ये अब ये कैमरा आ गया था, वो हम स्विच करके सबको देखेंगे। विराज सेंटर छोड़ देना प्लीज, हां कहीं आ थोड़ा सा बाहर ठीक कर ले, राइट से राइट की तरफ बहुत, अभी राइट साइड से ओके रुक, ये रोलिंग एंड आप चाहिए यहां से, आप चाहिए यहां से रुक, तुम लोग चार्ज करने से सर फेयरिंग एंड एंड एक्शन। तू चाचा को क्या गुस्से से देख रहा है, इसको देखते हुए पीछे हट ना, पापा को आई जस्ट लिसन इन बस कभी रेंज ले डालो से कंप्रेस कर रुक चार्ज अप रहो सुकेतु, पहले से चार्ज रहो, मारने का मन अभी भी है, रुक कभी रोक करके आ जाओ प्लीज, निशा उसके निकलते ही तो पापा के पास आएगी। रोलिंग एंड
अच्छे में नहीं पूछा हैंड ऑफ और डू वी जस्ट गो अगेन एंड देन ही डज इट टाइम इट यू गाइस विल हैव टू टाइम इट आई कांट टेल यू कि तू ये करेगा तो वो ये करेगा रुक गो बाय योर इंस्टिंक्ट्स रोलिंग व्हेन कबीर रुक रोलिंग क्रिंडा एक मिनट निशा अंदर आ ट्रायंगल किसका निशा रोलिंग हैंड क्रिंड डाउन बैक एक्शन एक मिनट पहले कबीर को सबको पीछे करने दो उसके बाद डायलॉग्स कबीर सबको पीछे करेगा उसके बाद ये लाइंस रोलिंग एट ट्रैकिंग थोड़ा ड्रिल्डअप लग रहे एक्स्ट्रा डाउन कर रोलिंग एंड ट्रैक फास्ट एक्शन कबीर ये हाथ हटाने में आधा घंटा ले पकड़ उसको ट्विस्ट कर मत हटा तुरंत क्या नाम है और स्टाइल विराज हां हां मत हटा तुरंत अच्छा और रखो लेट हिम ट्विस्ट योर हैंड ओके 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 रेडी 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 एंजॉय कर कबीर रोल रोलिंग एंड माइक दूसरी तरफ कर दे प्लीज साइलेंट कजिन थोड़ा आगे आ जाओ आगे आओ कभी पीछे करने से रोलिंग स्लो क्रेन अप एंड मामी अब तक क्लोज चल रहा है एंड एक्शन जी पहले तो सबको नमस्कार सबको हार्दिक शुभकामनाएं एंड शो में मेरा नाम है विराज सिंह राठौर रियल नेम ताहिर शब्बीर ट्विटर पे ढूंढिए हमें इंस्टाग्राम पे ढूंढिए बात करें आज सीन की क्या सीन चल रहा है आज जो सीन है बड़ा भयंकर सीन है विराज सिंह राठौर जो है बड़े ही प्यार में पागल प्रेम के प्रेम में प्रेम दीवाने हो चुके प्रेमिका के सॉरी प्रेमिका के प्रेम में प्रेम दीवाने हो चुके हैं विराज सिंह राठौर तो हुआ क्या है कि उनके और निशा जी निशा आप जानते हैं निशा गंगवाल उनके प्यार में है और उनके बीच में कुछ दरारें पड़ चुकी है उसकी बुआ जी की वजह से उनको लगता है कि निशा ने उनको धोखा दिया है बट एक्चुअली मिस निशा ने उनको धोखा नहीं दिया था तो अभी उनको पता लग गया है तो वो थके हारे मारे मारे रास्ते पे भाग भाग के गाड़ी से जूझ कर एक्सीडेंट करते हुए यहाँ पर पहुँचे और उनको पता लगता है कि उनकी भी आज शादी हो रही है तो वो यहाँ के वो शादी रोक रहे कोशिश कर रहे हैं रोकने को पर अभी जो निशा जी है वो उनसे शादी नहीं करना चाहती बिकॉज उनको लगता है कि अभी आप बहुत देर
बहुत देर कर चुके हैं, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो शायद उनसे प्यार करती भी है, दोनों में प्यार है, पर शादी आप जानते हो हम हिंदुस्तान में रहते हैं शादी बहुत बड़ी बात होती है, एक बार शादी हो गई तो हो गई, तो अभी इसी कश्मकश में आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा वीरज, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह शादी का मामला, तो निशा किसी हुई, आपकी हुई कि कबीर की हुई? जी वो तो आपको राइटर से पूछना पड़ेगा, फ्रेंकली आप पे, आप दर्शकों को पूछिए, एक्चुअली आपको आपको जो अच्छा लगता है हमें बताइए, हमें फीडबैक दीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी हम हैं, हमें आप लिखते रहिए, हम बताते रहेंगे चैनल और क्रिएटिव्स को, ये तो क्या है, ये तो हर हफ्ते बदलता रहेगा, हमें दर्शकों से जितना प्यार आता रहता है, जो उनको चाहिए होता है वो हमको देते हैं, या फिर अल्टीमेटली वो चैनल और मेकर्स का कॉल होता है, हम चाहे तो हम दोनों मिशकात और ताहिर, हम दो एक्टर्स, हम दोनों चाहे, हम दोनों दिल वाले हैं, दुल्हन आगे पीछे पड़े हैं। आपको चाहती है और आप निशा को चाहते हैं? जी बेहद, बे इंतहा प्यार करते हैं। कबीर आपके बीच में हड्डी बन गया है? जी वो हड्डी तो खैर अभी वो एक्साइटमेंट के लिए हमेशा था, जो जैसे हमें उसे रोमांचक कहते थे, वो अच्छा है बिकॉज में थोड़ा टशन बढ़ता है, ऑल्सो विराट सिंह राठौर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है, तो बाद में आपको पता चलेगा कि जो कबीर है विराज का भाई है, इसीलिए उसमें भी उतना ही जज्बा, उतनी ही ताकत है। आप निशा से शादी करने आए तो निशा ने आपको बोली कि मेहमान बनकर खाना खा कर चले जाइए? सर वो तो दिलीप कुमार साहब ने भी कहा था। हाँ जी वो तो बोलना ही था, बिकॉज वो क्या इतनी झड़प हो गई थी, इतना जब दो इंसान एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो ये तो होना ही है, जब वो झगड़ते भी है इतना झगड़ा तो होना ही है, तो ही आगे कहानी बढ़ेगी, तो ही ज़्यादा बिल्डअप होगा। अभी विराट सिंह राठौर जाके बहुत दुख होंगे, जितना दुख होगा उनको वो उतना अपना प्यार का इजहार करेंगे, उतनी भड़ास निकालेंगे, और आप लोगों को मज़ा आएगा शायद, और आपको ना आए तो बताइए। पहले तो नहीं थे पर उनका ये पहला प्यार है, उनकी ज़िंदगी में उनका भी पहला प्यार है, मिस निशा का भी पहला प्यार है, तो उन्हें भी पता समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसे क्यों हो गए, तो बहुत ज़िद्दी है, अब उन्होंने शादी रोक दी, जो वो कभी नहीं करते। रियल लाइफ में भी ज़िद्दी है ताहिर? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर लड़की ने एक बार मुझे, एक्चुअली मुझे लड़कियाँ मिलती नहीं है, कोई देख रही है आप लोग प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इफ देयर इज़ एनी सिंगल वुमेन अराउंड, बट नहीं ज़िद्दी तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि शादी उसी उनसे ही करनी चाहिए जिनके साथ आपको करनी चाहिए, और अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर हो गई। अच्छा ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? सीरियल देखते हैं निशा? ऑडियंस से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको आके पर्सनली हग करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, और आई होप मैं जल्दी आऊँ, आप सबको मिलूँ, आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं इंशाल्लाह ट्रैवल करें, ट्रिप करें, और आपको आपसे जल्दी जल्द मिले, और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अभी सोशल मीडिया बढ़ गया है, फेसबुक है, ताहिर शब्बीर को ढूंढिए और हम आपको मिलेंगे, और ढेर सारा प्यार। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन बोलेगा? एक ही लाइन है? हाँ एक ही लाइन। आप मत बोलो, आंटी बोलो। ए मर्द चुगली कर रहे हैं साले खड़े। आप बोलिए, आपने बोला था पीछे से बोलिए ना, कोई सामने ऐसे खड़े होके बताओ, अच्छी लड़की के साथ ऐसा कभी होता है क्या? तू नॉर्मल बोल ना। बताओ अच्छी लड़की के साथ ऐसा कभी होता है? एक लड़की के लिए दो नहीं, आपने बिल्कुल सही, इधर से ही बोल, यू वॉन्ट टू सही कहा, अभी आपको पॉइंट आउट कर दिया था आप थोड़ा। आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छी लड़कियों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आपकी सोचने की बात यह है कि आपकी ऐसा अच्छी लड़की होती कौन है? अगर निशा उस आदमी की बातें सुन लेती और अपनी किस्मत को पूछती तो वो अच्छी हो जाती। अगर निशा अपनी बेइज्जती होते हुए देख लेती तो वो अच्छी हो जाती। अगर निशा जिंदगी की बात शर्म के बारे में कमरे लड़की है निशा? नहीं एक्चुअली करोड़ों में है। क्या करोड़ की बात क्या आता है जिसकी आगे गिनती नहीं आती ना? अनिल ओ नहीं करना आप लोग का ऐसा आप है सबके सामने सुना आप लोग बेइज्जती हो गई निकल के नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं नहीं ऐसा ही है और ये मेरे समोसे वाले दाऊ जी एक मिनट ये पूरे हार्ट अटैक देख के ही छोड़ेंगे। अरे लाइन क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा भाई? नहीं हो गया गुस्से में थोड़ा। क्या कहा? आ गया। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं।
फिर दादू दादू इस बार आप बोलेंगे। चलो भाई सब लोग फर्स्ट मार्क। चलो भाई सब लोग फर्स्ट मार्क। अच्छा मेरा फोन। हाँ भाई कभी निशा को देख तो ठीक है। अमृतसर कभी तेरे देखने से निशा हाथ क्या करने से रोल करें एंड एक्शन। मगेरा आप ही चुन के पकड़ते हो लेकिन यार रोल मना कर रहा हूँ दस्तों में मत जाओ करें एंड ready to throw and action dadri ka piche kya hai aa ek kya kar rahe ho ye kya kar diya koi chahta hi nahi ki meri shaadi ho aa ye item upar le lena uske owner ko aur ye silence jaane se sabke jaane se sabir mango sabke jaane se दद्दू ने बोला अरे इसे जूता सुनाओ। सारे फिगर में यहां से स्टार्टिंग से या रुपन को जवाब मिला है। रुपन डिस्पर्स होना सबसे पहले शुरू करेगी। रुक रेडी भाई बॉल में रेडी सर। क्या हो रहा है बॉल में रेडी सर। बॉल में अच्छा थोड़ा सा राइट निशा पापा की तरफ मेरा होगा मेरा बोलिंग एंड ग्रीन डाउन एक्शन। चलो कभी कभी क्या हुआ क्या हुआ कभी क्या हुआ क्या हुआ कभी एक मिनट सुनो मैं बाजी मेरा बहुत मैं क्या मैं सुनाता हूँ ये क्या कर रहे हो सुन लेना कोई चाहता ही नहीं कि मेरी शादी हो। ये मेरे ससुर जी चाहती नहीं कि पोटी बेटी पोटी ये मेरे ससुर जी चाहती नहीं कि बेटी इनसे दूर हो जाए। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसा ही है। और ये समोसे वाले चाहो जी अंदर ही अंदर मुझसे नफरत करते हैं। हाँ। देखा नहीं 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 अरे बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे आपके इनाउस अमरीश पूरी ये तो मुझे हार्ट अटैक देख के ही छोड़ेंगे। अरे नहीं 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 क्या बोला क्या बोला। और ये आपके इनाउस अमरीश पूरी से एक मिनट सर मेरे हाँ ऊपर कर ले जल्द में ले पीछे लो पीछे लो हम लोग काम परफॉर्मेंस में बिजी हो जाते हैं उसका मंडी देखो ना पीछे करो बाहर हो गया ना देख रहा था कोई टकरा रहा है कि नहीं। और ये इनाम का मिल पूरी रोल बोले ये रोलिंग एंड ट्रैक एक्शन। और ये आपके इनाम का मिल पूरी ये मुझे हार्ट अटैक देख के ही छोड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं हो गया हार्ट अटैक। अरे अरे बाबूजी प्यार से अटैक आ जाएगा। बात नहीं है बेटा ऐसी बात नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे आज लाल जोड़े में हैं और कुछ बवाल हो गए हैं। बहुत सॉलिड बवाल हो गया है लेकिन जीत अच्छाई की होती है हमेशा। हुआ क्या है हुआ ये है कि मैंने विराज को मना कर दिया है कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगी और मैं कबीर से शादी करने वाली हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे मेरी प्रॉब्लम से मेरा साथ दे तब वो नहीं थे तो अब जब मैं खुश होना चाहती हूँ तो फिर नाउ देयर इज नो पॉइंट कि वो मेरे साथ रहे। सो
वैसे भी मेरी और कबीर की शादी हो गई है और मेरे परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि मैं कबीर से शादी करूँ। उसकी जगह कोई और भी होता तो भी वो वही करता, बिकॉज ऑफकोर्स अगर आपका प्यार जा रहा है तो आप उसको ऐसे से जाने नहीं दोगे, सो दैट्स व्हाई ही वाज हियर। लेकिन अब मैंने और कबीर ने और पूरे घर वालों ने बहुत ही इंसल्ट किए उनके, एंड दैट्स हाउ ही इज वो चले गए। विराज कह रहा है एक तरफा प्यार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जी ऑफकोर्स एक तरफा प्यार नहीं है, मैं विराज सिंह राठौड़ को प्यार करती हूँ, बट नहीं अभी नहीं करती ना, अभी तो मैं कबीर से प्यार करती नहीं, आई डोंट लव कबीर एक्चुअली। अच्छा निशा जी, आप रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में क्या? रियल लाइफ में क्या और रियल लाइफ, मैं रियल लाइफ में ऐसे कपड़े जिंदगी में कभी नहीं पहनूंगी। किससे प्यार करती है? मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या आपके कुछ फनी सीन भी चल रहा है अभी? ये क्या, किससे प्यार करती है पहले बताओ। आई लव कबीर। क्या कहना चाहेंगे कबीराज? एक्चुअली शो का माहौल, सबका माहौल घर में खराब हो गया, सब परेशान हो गए, तो कबीर एज यूजुअल कांट सी एनीवन अनहैप्पी, सबको खुश करना चाहता है, निशा की फैमिली खुश करना चाहता है, तो वो नाटक करता है कि उसे फिट्स हो रहे हैं। फिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दौरे दौरे पड़ रहे हैं उसको अचानक, मतलब फाइल निकल गई थी, छूट गई थी, दोबारा फाइल में आ गया। हाँ एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि निशा बहुत खुश है, इसलिए मैं खुश हूँ, उसका परिवार खुश है इसलिए मैं खुश हूँ। नहीं सीरियल एक्टिंग करनी पड़ती है। विराज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विराज ने जो किया गलत किया लड़की के साथ, ही इंसल्टेड हर फॉर द होल फैमिली, जब उसका टाइम है उसे कुछ नहीं किया, तो अब बहुत लेट हो गया उसके लिए। ऐसा तो नहीं फिल्मी ड्रामे की तरह के फिर ऊपर आकर नहीं ये मेरी नहीं, कितने बार आएगा ऊपर, अभी हो गया निकाल दिया उसको, अभी कितना निकाल दिया हमने, क्या ट्विस्ट आने वाला है? ट्विस्ट तो सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि मैं विराज सिंह राठौड़ से शादी नहीं कर रही हूं, कबीर से शादी कर रही हूं, सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द शो। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने मुझे और विराज को पसंद किया है, आप मुझे और कबीर को भी पसंद कीजिए आफ्टर शादी, क्योंकि बहुत सारा ड्रामा मसाला रोमांचक रोमांस सब कुछ एक साथ होने वाला है, सो इट्स गोना बी फन। वाओ, थैंक यू, थैंक यू।